आयो तो तोर हाथ गो जोर बेनती करो सुनो गुरु के पाल बसो मद चमकौर में अपनी कृपा धार। चमकौर की गड़ी अंदर सतगुरु ने इशारा किया इतने निवास किया इतने ही अठ अठ पांच पांच सत सत रोज मुकाबला होता सवा सवा लख नाल जूझ दे सिंह शहीदियां प्राप्त कर रहे रास्ते। समा आ गया गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्रां नूं लोड़ पा के मैदान नूं तोरन दी। साहबजादा अजीत सिंह सामने आया हाथ जोड़े 18 साल की उम्र है मुछ फुट गभरू श्री गुरु जी के सामने आए आज्ञा मंगी पिता जी मैदान जंग नूं जाना चाहुंदा। सतगुरु ने गले नाल ला लिया पुत्र मथा चुमया आशीर्वाद दिता। ये वचन सुन के कि मैं धर्म की खातर शहीद होने लई जाना चाहना तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने कहा शाबाश शहीद गुरु बाबा के पोतरे को गोबिंद सिंह यो ही आस रखते जाओ धर्म की खातर मैदान जंग में जूझ दिया। साहबजादा अजीत सिंह मैदान में तुरिया दुश्मन को भुलेखा पै गया कि शायद आप हजूर आए पर सूबा सरहिंद दीआं फौजां कई बार जूझ चुकी हैं। 13 लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने जीवन में लड़िया और मैदान जंग फतेह की। देखिया नहीं ये गुरु गोबिंद सिंह साहब का वड्डा साहबजादा वीर पुत्र मैदान में लड़े शॉर्टली आखा 500 तीर साहबजादे की छाती में वजे और धरती से डिग पे। बेटे को शहादत मिली देखा यू कदर योगी अलाई आदमा वैद्य शाही का जो पुत्र शहादत मिली तो गुरु गोबिंद सिंह साहब की रचना तो यह निकलिया शाबाश बेटा खूब खूब लड़े क्यों ना नो लगते दिले गोबिंद के बड़े शाबाश मैदान जंग अंदर दलेरी ना लड़े हो क्यों ना लड़े तू गोबिंद सिंह का वड्डा सपुत्र बेटे को शहादत मिली देखा यूं पदर ने उसी वक्त का नन्हे से मासूम किसर ने पुत्र सब ज्यादा बाबा जी आल सिंह जी सामने उसी वक्त का नन्हे से मासूम किसर ने रुखसता में दलाओ पिता जाएंगे मरने भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता खाना नहीं सोना नहीं पीना नहीं पाता। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने नजरे रहमत नाल अपने छोटे पुत्र वाले देखिया देखो हिरदा बाप ते घुट के छाती नाल ला लिया कहन लगे पुत्र पर आई से आवाज से बोले गुरु गोबिंद गला भर गया पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद रोका नहीं आवाज से बोले गुरु गोबिंद लो आओ तन पाक पे हथियार सजा दे छोटी सी कमाननी सी तलवार सजा दे हम देते हैं खंदरे से शमशीर समझना नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना जितने भी मरे इनसे उतने बेपीर समझना जख्म आए तो होना नहीं दलगीर समझना हमने ही कहा था पिता को ये जान दीजिए धर्म पर
फेरे के खवैया, सर भेद करो ताके चले धर्म की नैया। ले देंगे तुम ही से मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ पधारो राह ताकते हैं खुर्द में पहिया। मदाने जंग हमें ख्वाहिश है कि तुम्हें तलवार चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं ख्वाहिश अजीत सगनो मदान जूझ दिया वेखे और तेनों में तलवार चलाऊं दिया वेखना चाहता। सतगुरु ने मत्था चुमया, छाती ना लाया, आशीर्वाद दिता, कह लगे जाओ। ख्याल करना कई बार पास देख तो सुनया भी पानी पीना आया था, गलत बात। जिस गुरु ने पहले समझा के तोरिया सी पेठ विच तीर जां गोली नहीं वजनी चाहिए छाती विच, ते मदान इना कोई बहुता खुला नहीं सी, दुश्मन की गिनती कोई इन्नी घट नहीं सी। जुझार सिंह पानी पीना आता तो गुरु साहब ना पिलाते तो मोड़ देते। ये सब ज्यादा जुझार सिंह की अदुति कुरबानी से बहुत बेसमार दाग है। क्यों? गुरु गोबिंद सिंह साहब के दस पुत्र होए तो कंध बखा के दुश्मन को पानी पीना है। जो मेरे अमृतसर शहर के निवासी जरा सारे का साझा शहर है पंथक कवि भाई प्यारा सिंह निरशल, उन्होंने चंद लाइन लिखिया पेश कर लगा जरूरी। अतास गुरबाणी दो पहलू ने मनुख की जिंदगी। गुरबाणी आत्मा बलवान कर दी, बाणी पढ़ के ते फिर जो मदाने जंग विच उतरदा ना खालसा, अन्या हो नहीं दिंदा ते अन्या हुंदा वेखदा भी सहारदा भी। ये सारे गुण ने तुलसी ने चंद शब्द लिखे सी। तुलसी ने गज के आख्या भारत की सुना हो नारियां, बेटे जनों तो भगत दन सुहाग भागा वारियां। भगत नहीं ते दाता सही, दाता नहीं ते सूरमा नहीं तो जननी बांझ लूरी हो कंता प्यार। तुलसीदास ने कहा पुत्र पैदा करने वाली मां पुत्र विच तिना गुणा चो एक जरूरी होना चाहिए, नहीं तो एवं अपना नूर बेकार ना गवा। भगत होए दानी होए ते जां फिर सूरमा होए, ते जिन्हां तिना गुणा चो एक गुण नहीं ते फिर तेरा जन्म देना बेकार है, तेरा जीवन गवाना बेकार है। इहदा उत्तर माता साहिब कौर ने दिता है खालसे की मां। तद हस के बोली साहिब देवा, इन तीनों की नहीं लालसा, मैं इको पुत्र भगत जन सा सूरदाता खालसा। खालसे की मां माता साहिब कौर ने उत्तर दिता, मैं एक ही पुत्र जन्म की वह खालसा। ए खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे हो खालसा परमात्मा की मौज। परमात्मा की मौज ते मौज की एक तरंग है खालसा। खालसा मौत तो नहीं डरता, खालसे तो पाता खालसा खालस, जिद मिलावट कोई ना हो, रला कोई ना हो। जरा खालसे का प्यो है ना, वो खालसे का बाद चेला भी बनया। जिन्हें खालसे नाती तो पुत्र बनाया, वो गुरु गोबिंद सिंह साहब अपनी कलम लिखते ने, हम मर पया शब्द सुपन नल नासिक में दिगर दर दया में दिगर। जेड़े खालसे के अंदर कुछ होर हो, बहर कुछ होर हो, तो मैं वह क्या वाणी दी। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब के बचन हैं, जरा अंदरों कुछ होर हो बहरों कुछ होवे होर। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी गोबिंद सिंह जो अंदरों है वो बहरों है, जो बहरों है सो अंदरों है। दोगला जी खालसा वो है
ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜਲਰੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਲੜੈ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਸ ਕਾ ਹੋਵੇ ਸੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਭਰਮ ਤੋਂ ਭੇਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰ ਰਵੇ, ਨਿਰਾਲਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਲੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲੀਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨੇ ਜੰਗ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਾਜ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝੀਏ। ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਜੀ